हम सब भाग्यशाली हैं कि हमारा तिरंगा गर्व से उठा हुआ है और हम सब लोग उस तिरंगे की छांव में रहकर अपना जीवन गुजारते हैं। हमारे तिरंगे में तीन रंग हैं, विशेष वैसे तो चौथा भी है पर विशेष तीन हैं। ये तीनों रंग तीन चीजों के प्रतीक हैं, तीन चीजों का प्रतिनिधित्व करते हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। गुण भी तीन होते हैं, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, है ना। 24 कलाओं से परिपूर्ण भगवान, कोई 12 कला, कोई 16 कला, कोई 24 कला। हमारा देश विभिन्न, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, कहीं भी आप जाओ, कुछ ना कुछ विशेषता हमारे देश में, हमारे देश की माटी में आपको मिलेगी। एक गीत आपने सुना होगा जिसे रफी जी ने गाया, इस धरती पर सबसे पहला सूर्योदय कहाँ होता है। आज किसी देश का नाम कोई भले ले ले, लेकिन जो हम सब ने सुना वो ये सुना कि जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है। ये वो देश है जहाँ सूर्य भगवान भी सबसे पहले आने के लिए लाल आयत रहते हैं। ये वो धरती है। लोग कहते हैं कि भारत में क्या है, अरे भारत में क्या नहीं। अच्छा आप लोग बताओ भारत में क्या है, बताओ क्या है भारत, आप बताओ भारत में क्या है, क्या है। देवभूमि है, क्या है भारत में, क्या है अच्छा ये बताओ भारत में क्या नहीं है, ये तो आप बता ना पाओगे कि भारत में क्या है। ये बताओ भारत में क्या नहीं है, बोलो। अब हम बताएं भारत में क्या है। सुनो, जो लोग अमेरिका, लंदन, पेरिस चले जाते हैं वो कहते हैं अरे विदेशों में बड़ा अच्छा है, वहां अच्छा है। भारत से अच्छा कुछ हो नहीं सकता। एक सज्जन बोले, महाराज जी भारत देश में इतनी पूजा पाठ करने वाले लोग रहते हैं, अमेरिका, जापान में कोई पूजा पाठ नहीं है, कोई व्रत उपवास नहीं है, लेकिन वो इतनी सक्सेसफुल कंट्री है, वहां इतना धन है, इतना पैसा है, इतना लोग वहां संपन्न है, और भारत में इतनी गरीबी है, इतना परेशान है भारत। भारत को कुछ लोग कहते हैं ये गरीब देश है, अन्य कंट्रियों को लोग कहते हैं ये अमीर देश है। अच्छा आप बताओ, आप लोग अमीरी और गरीबी का पैमाना किससे तय करते हैं। आपके लिए अमीरी और गरीबी को तय करने के लिए क्या है, केवल पैसा। आप लोग सोचते हैं कि जिसके पास ज्यादा पैसा वो ज्यादा अमीर, जिसके पास कम पैसा वो गरीब। आपका यही है, यही कसौटी है आपकी, पर ये सिस्टम ही गलत है।